पटना बिहार की राजनीति ने फिर एक बार अपना रुख गर्म कर लिया है। सभी विपक्षी दल सरकार द्वारा इस कोरोना जैसी महामारी के लड़ाई में खामियों को निकालना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पटना स्थित कार्यालय के बाहर में कार्यकर्ताओं के साथ सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए धरने पर बैठ सरकार की खामियों को गिनाया। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो स्पेशल ट्रेन आ रही है उसमें काफी विलंब हो रहा है और लोग ट्रेन में ही अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में क्वारंटीन सेंटर में सांप निकलकर लोगों को डस रहे हैं, लोग हंगामा कर रहे हैं खाने को लेकर, यह कैसा इंतजाम है? संक्रमण की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लाखों लोग बिहार वापस आ रहे हैं, उन्हें सरकार रोजगार मुहैया कराए। बीमारी बढ़ाने वाले कोई और है, लेकिन दोष मजदूर भाइयों पर क्यों? बीमारी फैलाने वाले विमान से आए विदेशियों के कारण फैला है, जिसे सरकार समय रहते रोक नहीं पाई, आज मजदूरों को दोषी ठहराया जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर की स्थिति ठीक करें, यही तो हम लोग चाहते हैं, करें अच्छा है, लेकिन हो कहां रहा है? वो तो यही रहा है कि लोग जो ट्रेन सूरत से चलती है दो दिन में बिहार पहुंचना चाहिए, 9 दिन में मुजफ्फरपुर पहुंचती है, 7 से ज्यादा लोग उसमें मर जाते हैं, वो तो यही रहा। क्वारंटीन सेंटर में सांप निकलता है, क्वारंटीन सेंटर में महिला के साथ बलात्कार की घटना हो रही, वो तो यही रहा है। तो मुख्यमंत्री जी कह क्या रहे या हो क्या रहा है इसमें देख लीजिए। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह है कि सच को स्वीकार करें। एक तो मीडिया के लोगों को क्वारंटीन सेंटर में जाने से इन्होंने रोक दिया, इसलिए मीडिया के लोग जाएंगे तो सच्चाई जनता के बीच जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी पूरे तौर पर फेल है। मुख्यमंत्री जी से ही बार बार हमारा आग्रह, सच को स्वीकारिए, जनता को राहत देने का अंजाम कीजिए।